सर पहली बात तो ये कि यहाँ पे आने की खास वजह ये भी कि यहाँ पे मेरा अपना गधा बना हुआ है। एक ये आ गया, ओए 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 ओए, वाओ बच्चा अभी क्या कह रहा है, ये बहुत प्यारा है। ऐसा लग रहा है अपने बाबा की तरह बैठा हुआ, क्या कहते हो? अच्छा तो भाई के साथ एक और वो वहाँ खेल रहा है। के भाई ये यहाँ पे सुकून से बैठा हुआ है, मगर भाई देखें आपने वाओ सो काम जब ये इसको क्या कहते हैं, ये सुनहरा उकाब उर्दू में कहते हैं गोल्डन ईगल है। चेक कर सकते हैं इस तरह के जबरदस्त से जानवर है जो के कुछ कहना चाह रहे हैं। ये आप चेक करें, मैं जितना करीब जा रहा हूँ वो बेचारे उतने दूर जा रहे हैं। इसकी जिसामत चेक करो आप, यहाँ पे फार्मिंग वगैरह भी हो रही है, बहुत ही जबरदस्त है। और मैं तो कहता हूँ भाई मैं नहीं पकड़ सकता माजद के साथ। माशाल्लाह वाओ, ओके नो 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 नो, मैंने क्योंकि इनके पंजे जो हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तो जनाब हम अभी मिल रहे हैं नदीम भाई से जो कि यहाँ के जनरल मैनेजर हैं और सिम्बा वगैरह के देख रेख करते हैं। सर ऐसा ही है जी? बिल्कुल, सारी चीजें आप ही संभालते हैं। जो यहाँ के जो ओनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, एग्जैक्टली मैं उनके साथ हूँ। उनके साथ है तो सर कुछ बताएं ना सिम्बा के बारे में, मतलब सिम्बा किंगडम क्यों बनाया है, वजह अभी क्यों यहाँ के एडमिट के लिए है? जो असल में आजकल आपको पता है कि इतने टफ हालात हैं कि बाहर एंटरटेनमेंट मौजूद नहीं है हमारे लोगों के लिए, इसके वो कहीं जाके खाना खा ले। एक ही चीज बची है तो उसको सेकंड ऑप्शन देने के लिए ये जू, एक मिनी जू जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ पे आए लोग और अपना एंटरटेन हो सके और अपना एक अच्छा एक लीजर टाइम जो है अच्छे तरीके से गुजार सके यहाँ पे। तो कुछ टाइमिंग्स हैं यहाँ की? अभी फिलहाल आज की जो टाइमिंग आज तो ओपनिंग डेट है, हाँ जी, लेकिन ये कि कल से इंशाल्लाह आपको रेगुलर टाइम जो है वो अनाउंस कर दिए जाएंगे जो कि मीडिया पे शेयर कर दिए जाएंगे। और टिकट्स वगैरह कुछ लगे हैं आज के? आज जो टिकट है आज का एंट्री टिकट वो 300 रुपीज पर हेड है, और उसके साथ साथ जो है बाकी जो है कल के हिसाब से मजीद आगे जो एडवांसमेंट होगी, बेटरमेंट होगी वो हम शेयर करते हैं। अच्छा तो अंदर थोड़ा सा वीडियो में बता दें कि ऐसा अंदर क्या है, मतलब कौन से जानवर हैं क्या है? पे जो जो हमारी जो मेन अट्रैक्शन है वो हमारे लाइंस है मैंने सुना है बड़े कोई जॉइंट लेवल के लाइंस है और टाइगर्स है। इसके अलावा लाइन कब्स है जो कि बहुत फ्रेंडली है, यू कैन प्ले विद देम। ओके वाओ इट्स अमेजिंग। तो भाई वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अंदर देखते हैं कि अंदर ऐसा क्या है और ऐसी क्या चीजें हैं जैसे सर ने हमें बताई। तो थोरली हमें ये विजिट भी कराएंगे और आ जाए अंदर। करीब फराज इसको दिखा करीब से। वाओ कितना प्यारा है यार ये। अच्छा ये अच्छा तो भाई ये प्यारा सा बच्चा अभी क्या कह रहा है, ये बहुत प्यारा है। वाओ हाँ आप चेक कर सकते हो भाई, ऐसा मुझे लगता। अच्छा अच्छा इसको नज़ला हो रहा है फराज? हाँ आप ये देखो, ये ऐसा लग रहा है अपने बाबा की तरह बैठा हुआ, क्या कहते हो? अच्छा तो भाई आप ये देख रहे हो, ये शायद 1 मंथ का है और थोड़ा सा बीमार है ये, क्योंकि नज़ला जुकाम हुआ है इसको। अच्छा हमारे पास 2 और हैं, एक ये आ गया, ओए 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 ओए, वाओ
एक और आ गया है। अच्छा तो भाई के साथ एक और वो वहाँ खेल रहा है कोई हाथ ही लगाइएगा। अच्छा तो भाई आप ये चेक कर सकते हैं कि भाई ये यहाँ पे सुकून से बैठा हुआ है, मगर भाई देखें आपने पिंजरों से हाथ दूर रखना होता है क्योंकि कुछ नहीं पता होता, जानवर तो जानवर है भाई, ये कुछ भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल भाई देखो कुछ भी कर सकता है। इंपीरियर ईगल इसको हम हाथ में लेने जा रहे हैं, ग्लव्स इसमें से भाई पहने हैं, ब्लू थैले में ग्लव्स इसलिए पहने क्योंकि इसके पंजे हैं खतरनाक। अभी हम बिलाल भाई जो हैं वो हमें हाथ में देंगे। बिलाल भाई पकड़ा दो, पूरा पकड़ा दो, अपना समझ के पकड़ा दें। वाओ तो भाई आप चेक कर सकते हो बहुत जबरदस्त और माशाल्लाह बहुत हैवी है ये, जबरदस्त छू सकते हैं इसको। वाओ सो काम जबरदस्त, ये होटे इसके सर पे इसकी वजह से ये फील करते हैं रिलैक्सिंग है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? उमर हाशमी। इसका सर उमर हाशमी। अच्छा तो भाई हम उमर हाशमी के पास हैं जो कि सिम्बा किंगडम में इन्होंने कुछ इस तरह का सेटअप करा हुआ है। आ जाए इनसे पूछते हैं कि भैया ये क्या चीज़ है और ये इतने सारे जो सर पे हेलमेट पहने हुए, सर दिखाइएगा इनके इनके सरों पे जो हेलमेट है आया क्यों पहना हुआ है, और ये जॉइंट आप मेरे पीछे देखें ये क्या चीज़ है, इनसे बात करते हैं। अच्छा तो सर आप ये बताएं तफसीलात बताएं क्योंकि लोग मुतवज्जा हो रहे हैं जी। सबसे पहले तो ये हेलमेट नहीं हुड कहलाता है इनका। ओके हुड कहलाता है। ये इनके रिलैक्स और काम करने के लिए पहनाया जाता है कि सुकून से बैठे रहे, क्योंकि केज बर्ड नहीं होते ये, इनको पिंजरों में नहीं रखा जाता तो इनको सुकून से बैठाने का तरीका क्या ये हो। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने ये इस पे हुड कहते हैं इसको अगर ये लगा दिया तो ये सुकून में आ जाते हैं, रिलैक्स बैठे हुए हैं जैसे आपको नजर आ रहा है। ये मेंटली इनका इस तरह का बना ही इनके लिए रिलैक्स रखने के लिए होता है। अच्छा और अगर ये हमने इसको हटा दिया तो वो परिंदा, देखे परिंदा है, अब जरूरी नहीं है, लोग समझते हैं ये उतार दिया तो पता नहीं क्या करेगा, ये काटेगा मारेगा, जरूरी नहीं है। टेम बर्ड काटेगा मारेगा नहीं, लेकिन उसने फ्लाई करने के लिए जंप तो करनी है ना, एग्जैक्टली करनी है, बार बार इधर उधर गिरेगा। अच्छा तो ये इस साइज के भाई जरा करीब आना मैम, और ये इस साइज का क्यों है भाई? माशाल्लाह ये ईगल है, उकाब है, इसकी नस्ल बड़ी है, फैलकन है, इसकी नस्ल छोटी होती है। जैसे आप इंसानों में भी लगा लो, कुछ छोटे कद के होते हैं, कुछ बड़े कद के होते अच्छा, हैं। आप, अच्छा मैम ये जरा हाथ पे दिखाइएगा, आपने ये ग्लव्स क्यों पहना हुआ है? एक तो इसने हुड भी पहना हुआ है, ग्लव्स पे आप जब दिखा रहे हैं तो ये आप ये पंजे भी दिखा रहे हैं तो उससे बचने के लिए ग्लव्स पहना जाता है। अच्छा तो भाई मैं आपको जरा ये क्या बताया था सर, ये क्या है? इंपीरियल ईगल है, उकाब है, उकाब है। आप इसके पंजे चेक करो, शाही उकाब, यार ये देखने को बहुत कम मिलता है, तो प्राइसलेस कहलाते हैं ये चीज़ें। ऐसे ही है ना सर? जी बिल्कुल नायाब परिंदे हैं बहुत, ये पाकिस्तान में हिजरत करके आते हैं सर्दियों के मौसम में। अब तो ये पकड़े जाते हैं फिर पाकिस्तान में, जो आता है फंस जाता है बेचारा लेकिन हम लोगों का काम है, हम लोग इन लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग जब ये इनकी माइग्रेटिंग वापस जाने का टाइम होता है हम इनको वापस रिलीज करते हैं। अच्छा पूछना चाह रहा हूँ कि आपका ये प्रोफेशन है? जी मेरा प्रोफेशन भी यही है। इसके अलावा और क्या चीज़ें होती हैं आपके पास? जैसे ये तो मैंने, हमारे पास सिर्फ ये इस कैटेगरी के ही हैं, हॉक, ईगल, फैलकन। ये इसको क्या कहते हैं? ये सुनहरा उकाब उर्दू में कहते हैं, गोल्डन ईगल है। गोल्डन ईगल ये है कहाँ का? ये हमारा मंगोलियन भी होते हैं, अफगानिस्तान के भी होते हैं, हिमालयन भी होते हैं, फिर चाइनीज भी होते हैं, बाकी यूके रीजन्स के भी होते हैं, पूरी दुनिया में 6 ओरिजिन्स के पाए जाते हैं। बहुत ये साइज में बहुत बड़े हैं, ये बहुत बड़े जाइंट है। मैं जब भी अगर वीडियोज वगैरह में देखता हूँ किसी किस तरह ये चीजें उठा लेते हैं, ये लाजमी आप इनके पंजे चेक करो यार। ये अभी मेल है, ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, इसकी जो फीमेल होती है वो इनसे ज्यादा बड़ी होती है, और पंजा तकरीबन मेरे खुद के हाथ से ज्यादा बड़ा होता है। तो ऐसा क्यों, मेल और फीमेल में ऐसा फर्क? फीमेल इनकी बड़ी होती है, फीमेल शिकार करती है, ये नहीं करते? मेल करते हैं लेकिन बहुत कम रेयर, बहुत कम करते हैं उनके। अच्छा में। तो इसका अभी वजन कितना है? ये अराउंड बर्ड का इतना ज्यादा वजन नहीं होता, लेकिन इनके पंजे की जो पकड़ होती है उसकी वजह से वजन जो होता है वो डबल ट्रिपल हो जाता है। जैसे बर्ड का जो वजन है वो 4-4.5 kg होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। तो आपका ये जरिया माश है, आप क्या करते हैं? नहीं जरिया माश नहीं है, हमारी कराची फैलकन एसोसिएशन है, हम ये अवेयरनेस के हवाले से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी दूसरी एसोसिएशन इतने हवाले से नहीं है, क्योंकि इलीगल जितनी भी ट्रैपिंग होती है फिर इन बर्ड्स को इलीगल मार्केट्स में जो बेचा जा रहा होता है। अच्छा तो हम उनके खिलाफ काम आते हैं शिकार? ये शिकार के लिए सिर्फ एक एज अ स्पोर्ट्स है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, ना ये केज बर्ड है, ना ये आप रख के इनको सजाने के तौर पर रख सकते हैं, ना ही नहीं, नहीं बिल्कुल ये केज बर्ड नहीं होते, आप किसी भी सूरत में इसको केज में बर्ड को नहीं डाल सकते। ये चेक कर सकते हैं इस तरह के जबरदस्त से जानवर है जो कि कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि लाइक करें सब्सक्राइब करें, वो सिर्फ यही कह रहे हैं और मैं ही समझ सकता हूँ इसकी बातें। आ जाएं
बराबर वाले केज में चलते हैं। ये उसका बच्चा है ना, ये दोनों कपल्स हैं जी। इसको भी दिखाइएगा, ये गुसेल है, गुसेल है ये, इसे दूर रहना है। आ जाए भाई। अच्छा तो भाई आप यहाँ देख सकते हैं बहुत प्यारे प्यारे से मोर हैं जो कि देखने को नहीं मिलते। थोड़ा करीब आइएगा, ये आप चेक करें, मैं जितना करीब जा रहा हूँ वो बेचारे उतने दूर जा रहे हैं। हालांकि मैं ऐसे ले लेता हूँ, नहीं दिखाए, ये चेक करो यार, इसके पर चेक करो, जबरदस्त। और ये आ गए हैं बत्तख। क्या बात है यार, क्या बात है, लाजवाब हो गया। सिम्बा किंगडम में भाई आपको इस तरीके के जानवर भी मिलेंगे। दोस्त थोड़ा सा करीब लेकर आना, इसकी जिसामत चेक करो आप, यहाँ पे फार्मिंग वगैरह भी हो रही है, बहुत ही जबरदस्त है। और मैं तो कहता हूँ भाई, मैं नहीं पकड़ सकता माजद के साथ। के करीब आएगा, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये मंकी है। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। सर आपका नाम? सर डॉक्टर नसीम मलिक। डॉक्टर नसीम मलिक, सर आप डॉक्टर हैं, मतलब किस हिसाब से, मतलब कि आप ये इनको ट्रेन करते हैं? सर मैं वेटनरी डॉक्टर हूं। ओके, लाइफस्टाइल डिपार्टमेंट से। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये कितने मंथ का है इस वक्त? ये 5 मंथ का है भाई। ये 5 मंथ का है, तो ये थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा, थोड़ा सा एग्रेसिव, डरा हुआ, ऐसा क्यों? सर ये इसकी जो नेचुरल है ना वो बिल्कुल फ्रेंकली है, क्योंकि आज रश ज़्यादा थी ना, हर कोई आ रहा था, इसको छू रहा था, कोई ज़ोर से कोई आराम से, तो इसके लिए थोड़ा सा ये डरा हुआ है, हल्का फुल्का एग्रेसिव है। हाँ, मगर ये छोटा सा, इतना तो हार्मफुल नहीं होगा, या हार्मफुल है ये? सर हार्मफुल है ये, आप देख सकते हैं कि बाइट किया हुआ है इसने। अच्छा, ये काटा हुआ है इन्होंने, ये बाइट ही करता है। ओके, ये बाइट करता है, इसे बताएगा किसी बच्चे बच्चे को कर लेगा, क्या करेगा बंदा फिर? सर एक इंसान के ऊपर जब आती है वो भी थोड़ा सा करता है, उसके अगर जान के ऊपर आती है ना तो वो भी मतलब अपने सेल्फ डिफेंस में सब कुछ कर सकता है, ये तो फिर भी जानवर है। सही बात है, जब ये सही बात है, बिल्कुल आप ये कर सकते हो। तो इसकी मदर वगैरह भी यहाँ पे, या सिंगल खाली यही है? सर ये जो है ना आसम भाई, इनको कीनिया से लाए हुए थे। अच्छा यार, ये नो डाउट बहुत क्यूट है, आप इसको चेक करो, ये बहुत ज़बरदस्त है। और ये कुछ कह रहे हैं बस, माशाल्लाह, वाओ। ओके, नो 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 नो, मैंने बोला था ना आपको। अच्छा तो भाई हम ऑस्ट्रिच के कमरे में जा रहे हैं, आ जाए, और सर हमारे साथ हैं, आ जाए अंदर, आ जाए। अच्छा सर, मैंने ऑस्ट्रिच के बारे में ये सुना है कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। जी जी, क्योंकि इनके पंजे जो हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। सर हम ऑस्ट्रिच के बारे में बात कर रहे थे कि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी होते हैं, तो क्या है नेचर, आपको तो नेचर पता होगी। सर सिम्बास किंगडम जो है ना, हमने जब आप बाहर नाम ही देखा होगा आपने, हमारे पास कोई भी मतलब स्पेशीज होती है, जानवर होगा या कोई भी पोल्ट्री साइड की बर्ड होगी ना, वो एग्रेसिव नहीं होगी। अच्छा। आप अंदर खड़े हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, वो इजीली आप कुछ भी नहीं जाएं, कुछ भी नहीं करेंगे, वो डर के चली जाएगी, आपके नजदीक नहीं आएगी। अच्छा, ये मुझे बच्चा लग रहा है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल बड़ा है। बड़ा है? जी जी। अच्छा, जो इतने बड़े बड़े जायंट देखे तो क्या वो उम्र के साथ बड़े हो जाते हैं? सर देखे ना, ये यहाँ पर बिल्कुल अकेला है ना, तो इसकी वजह से अगर ये इसके 2 या 3 होते ना, ओके, तो ये माशाल्लाह बहुत सेहत पकड़ जाता, सेहत पकड़ लेता। अच्छा, तो इसका खाना वगैरह क्या है, क्या खाना इसको देते हैं आप? सर देखें, खाना यही होता है जो शेरों वगैरह को हम गोश्त वगैरह देते हैं, ये भी गोश्त खाते हैं, तो थोड़ा सा गोश्त उठा लेता है, और नहीं तो जानवरों में जो वंडा लगता है, ठीक है ना, तो वो वंडा वहाँ से थोड़ा थोड़ा खा लेता है। तो क्या आप एक साथ खाना लगाते? देखें, ये पोर्शन जो आपने देखा ना, ये वाला पोर्शन है, हाँ। ये हमारा जो जो बछड़ों के लिए होता है, ठीक है ना, ये गेट खुला हुआ था, ये अंदर जाता है, चोच मारी वहां से, चोच मारी वहां से, चोच अच्छा, मारी। ये आजाद होते हैं, आज बंद हैं? इसको हमने आज बंद किया है, वो इसलिए किया है कि वो ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, ठीक है ना, अल्लाह ना करे कोई मिसहैप ना कर जाए। आप मिसहैप नहीं करेगा, लड़ेगा नहीं। अच्छा अच्छा, लड़ता नहीं है ये, कोई भी आ जाए ना ये लड़ता नहीं है। वाह वाह वाह, आप थोड़ा नजदीक जाए ना इसको, ये खुद डर के भाग जाएगा, आपसे लड़ेगा नहीं। हाँ, ये यही हो रहा है, ये
ये थोड़ा सा डर रहा है, मगर इसने कोई हमले वाला सीन नहीं करा। नहीं नहीं, दूसरे आप ऑस्ट्रिच देखेंगे ना, वो आप नहीं, नहीं वो तो बहुत खतरनाक होते हैं यार, वो पंजा डायरेक्ट दिखाते हैं। पंजा नहीं, ये चोच मारते हैं जी। अच्छा, इसकी गले में बाहें नहीं डाल सकते। जब गले में बाहें, सोच लो। तो भाई हमारे जो सर हैं, सर अपना पूरा नाम बताएं आप। सर डॉक्टर नसीबुल्लाह मलक नाम है मेरा। तो भाई इन्होंने बड़ा साथ दिया, और केज में हम तो ऐसे ही जा रहे थे, मगर वो केज में लेके आए, इनकी बड़ी मेहरबानी है। अपना नंबर बताएं ताकि अगर किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो आप कोई हेल्प आउट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आप अपना नंबर बताएं ताकि व्हाट्सएप पे वो चीज आपसे पूछ लिया जाए। ये अल्लाह जजाए खैर है, मतलब अल्लाह वास्ते। बिल्कुल, मेरा नाम डॉक्टर नसीबुल्लाह मलक, 03072182294, 24/7 मेरा नंबर ऑन होता है, और व्हाट्सएप पे भी मेरा यही नंबर है। किसी को भी किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, वो मुझसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे वो मुझसे ट्रीटमेंट या डायग्नोस वगैरह पूछ सकता है। शुक्रिया सर, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। जनाब हमारे साथ हमारे दोस्त अजलान भाई भी मौजूद हैं, और अजलान भाई से हम पूछते हैं कि भाई यहाँ कैसे आना हुआ। जाहिर सी बात है इनवाइटेड होंगे, बड़ी पर्सनैलिटी हैं ये, और हम अगर यूट्यूबर्स इन जैसी बड़ी पर्सनैलिटी से मिलते हैं तो कोशिश करते हैं कि भाई बात हो जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इनकी बातें इनकी चीज़ें फॉलो करी जाती हैं कि भाई किस तरीके से काम करा जा रहा है। तो सर थोड़ी सी बात हो जाए, तो कैसा लगा आपको ये चीज़ें? सर पहली बात तो ये कि यहाँ पे आने की खास वजह ये भी कि यहाँ पे मेरा अपना गधा बना हुआ है। सही है, वो गधा जो है ना वो मेरा है, और मैंने अपनी बेगम को जो है वो तोहफे में दिया था। जी जी, वो गधा मेरा है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर पब्लिक के लिए खोला है, तो मैं समझता हूँ हर किसी को आना चाहिए। और रही बात आप यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, मैं आपको ये टिप देना चाहूँगा कि कंसिस्टेंसी जो है ना, मुस्तकिल मिजाज हर चीज़ में ज़रूरी होती है। कामयाबी हो जाएगी। बिल्कुल, आप इस पर मुस्तकिल मिजाज ही रखें, इंशाल्लाह जो है ना। मैं अपने आप को भी ये करता हूँ, कभी मैं भी डाउन होता, कभी मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे होते, मैं अपने आप को हर किसी के साथ हो रहा है, कोई परेशान। काम पे तवज्जो दिया जाए, काम पे तवज्जो रखें, दिन हो रात हो आंधी हो तूफान हो, यू जस्ट हैव टू अपलोड करना है, अपलोड करो। अच्छा, तो कंटेंट कैसा होना चाहिए, मिक्स होने चाहिए या फिर एक पैटर्न, एक नीच अपनी होनी नीच चाहिए? पकड़ो, देखो तुम्हारी नीच, व्हाट्स योर नीच, यू आर मेकिंग न्यूज, आप न्यूज पे वीडियोस बनाते हो, करंट अफेयर्स पे करते हो, जगहों पर जाते हो, विजिट करते हो, अगर ये करते हो तो इसी पर वीडियोस बना के रखो, इंशाल्लाह एक ना एक दिन चलेगा। इंशाल्लाह चलेगा यार, ओपन प्लेटफॉर्म है, मेरा चल गया तो उसके बाद हर किसी का चल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, टाइम दिया, मजा कर लो।